वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मेजरमेंट के चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट चैप्टर वन है, इसमें हम दो टॉपिक को इस वीडियो में डील करेंगे। पहला टॉपिक है एरर और टाइप्स ऑफ एरर को, और जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एरर। प्रैक्टिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनमें मेजरमेंट लिए जाते हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट लेने के बाद जो आउटपुट आते हैं, ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वो हमेशा एररफुल होती हैं, उसमें हमेशा एरर होता है, और एरर को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एरर बताऊंगा जो हर इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है। जैसे कोई क्वांटिटी है जिसकी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू 80 है, ठीक है, और कोई क्वांटिटी है जो कि हम इसी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो हमको जो मेजरमेंट प्राप्त होता है, जो रीडिंग मिलती है, उसको हम बोल रहे हैं AM। ये क्या है, उसकी मेजर्ड वैल्यू है। तो 80 क्या हो गई, ट्रू वैल्यू, और AM हो गया आपका मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो एरर होता है। एरर को मैं डेल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये स्टैटिक एरर है। डेल ए का वैल्यू होता है AM-80, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो रीडिंग हमको इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त हुई, माइनस जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है किसकी, उस क्वांटिटी की जिसको हम मेजर कर रहे हैं। ये जनरली हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उन फॉर्मूले से इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ट्रू वैल्यू, और अगर इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करके ले रहे हैं वैल्यू तो वो है मेजर्ड वैल्यू। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका स्टैटिक एरर। लेकिन मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर है प्लस माइनस 2 एम्पियर का, और हमको करंट का मेजरमेंट करना है 1000 एम्पियर, तब ये जो एरर है ये बहुत छोटा है, ठीक है, जो हमको मेजरमेंट लेना है उससे, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा एरर क्या है, प्लस माइनस 2 एम्पियर ही है, और हमको मेजरमेंट लेना है 10 एम्पियर का, उस कंडीशन में जो हमारा ये एरर है ये एप्रिशिएबल हो जाता है। एप्रिशिएबल होने का मतलब ये है कि ये हमारे मेजरमेंट को अफेक्ट करता है, और यहाँ पर हमारे मेजरमेंट को कम अफेक्ट करता है, ठीक है। ये वाला अगर 1000 एम्पियर को मेजरमेंट कर रहे हैं, और अगर 10 एम्पियर को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि इसकी वैल्यू 8 एम्पियर भी हो सकती है मेजरमेंट की वैल्यू, या 12 एम्पियर हो सकती है। तो इसलिए इस एरर टर्म को रिलेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में हम स्टैटिक एरर डेल ए को डिवाइड कर देते हैं इसकी ट्रू वैल्यू से। क्लियर है? तो जब हम इसकी ट्रू वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाता है AM-80/80। तो ये कहलाता है आपका रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज रिलेटिव एरर हमको निकालना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो ये निकल जाता है AM-80/80 × 100 से। तो ये फॉर्मूला आपका रिलेटिव एरर का बनता है। इसी तरह से आगे हम ये देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो इसको बनाता है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरर है, वो भी रेटिंग में, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग में वो बताता है गारंटीड एक्यूरेसी एरर, GAE, या इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग एरर।
तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटिंग एरर क्या होता है और मैन्युफैक्चरर जो होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वो रेटिंग में उसको बताता है, प्रॉमिस करता है कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो फलाना एरर देगा ही, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर एरर को वो मेंशन करता है। मान लीजिए कि लिमिटिंग एरर मैन्युफैक्चरर ने मेंशन की है प्लस माइनस 10, और हमको एक रजिस्टर दिया हुआ है, मान लो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू उसने 100 ओम बताई है, जिसमें प्लस माइनस 10 ओम का क्या है, गारंटीड एरर है। एक रजिस्टर बनाया है और उसमें प्लस माइनस 10 ओम गारंटीड एरर दे दिया है, लिमिटिंग एरर दे दिया है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू बताया है 100 ओम। तो हमारा जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू 100 माइनस 10 से लेकर की 100 प्लस 10 तक हो सकती है, मतलब 90 ओम से लेकर के 110 ओम के बीच इसकी वैल्यू हो सकती है। ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इंस्ट्रूमेंट के वो बता देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली नहीं बनाया जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। तो ये अच्छा है कि हम उसको स्पेसिफाई कर दें पहले से, ताकि हमारा मेजरमेंट में इफेक्ट ना हो। तो लिमिटिंग एरर ये होता है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक खास बात, लिमिटिंग एरर निकालते समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने स्टैटिक एरर में क्या किया था, मेजर्ड क्वांटिटी माइनस ट्रू वैल्यू। तो लिमिटिंग एरर में उल्टा होता है, ट्रू वैल्यू माइनस होता है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है? और रिलेटिव लिमिटिंग एरर में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, और इसमें मेजर्ड वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, ट्रू वैल्यू माइनस ए नॉमिनल डिवाइड बाय ए नॉमिनल, और ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है, एक्चुअल माइनस ए नॉमिनल बाय ए नॉमिनल। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर परसेंटेज रिलेटिव एरर बोलेगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर तो क्या हो जाएगा, ए एक्चुअल वैल्यू माइनस नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू इनटू 100। तो इस तरीके से रिलेटिव एरर, रिलेटिव लिमिटिंग एरर को भी हम स्पेसिफाई कर दिए, और स्टैटिक एरर को भी हमने बता दिया। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर, कि कितने टाइप के एरर होते हैं। तो मैं आपको एक ट्री डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा टाइप ऑफ एरर के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर किस वजह से हुआ है, उस वजह को स्पेसिफाई करके ही इस एरर को क्लासिफाई किया गया है। तो जिन जिन वजह से एरर होता है उन्हीं टर्म्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो एरर को किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होने वाले एरर को 3 भागों में सबसे पहले बांटा गया है। तो उसमें सबसे पहला है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर। सेकंड है आपका सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। और तीसरा है, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा है रैंडम एरर, रैंडम एरर। क्लियर? तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब आपको जानना है कि ये एरर्स किस वजह से होते हैं और इसको दूर कैसे किया जाता है। तो पहला जो हमारा ग्रॉस एरर है, ये ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? ह्यूमन मिस्टेक्स, मिसरीडिंग की वजह से होता है। जैसे कि रीडिंग आई आपकी 25.8 डिग्री सेल्सियस, और आपने क्या नोट कर लिया इसको, 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या किया आपने, मिसरीडिंग की, ये आपका ह्यूमन मिस्टेक है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं ये आपके ग्रॉस एरर में इंक्लूड होते हैं। अब ऐसे एरर को दूर कैसे किया जाए, कुछ ना कुछ ग्रॉस एरर होता ही है, ह्यूमन मिस्टेक्स तो पॉसिबल है ही, तो इसको दूर कैसे किया जाता है। तो आप क्या करिए, आप मल्टीपल रीडिंग लीजिए, मल्टीपल रीडिंग लीजिए,
और उनका क्या करिए, एवरेज कर दीजिए, और जो एवरेज आएगा उसको आप फाइनल रीडिंग की तरह ट्रीट करिए। और दूसरा दूसरा आप क्या कर सकते हैं, केयरफुल रह सकते हैं, ठीक है। रीडिंग लेते टाइम केयरफुल रहिए, और जब आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उस समय केयरफुल रहिए। चलिए अब देख लेते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है इसका इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल। दूसरा है सिस्टमेटिक, और तीसरा है एनवायरमेंटल। तो जो हमारा दूसरा टाइप है सिस्टमेटिक एरर है, ये दो तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा सिस्टमेटिक, और तीसरा एनवायरमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट को बनाते समय, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो गलतियां होती हैं उसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, ये सब किस में आती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आती हैं। तो इससे आप डायरेक्टली रिप्लेस करिए इंस्ट्रूमेंट को, या उसका करेक्शन करिए तो ये सुधर जाएगा। सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि जैसे आपके पास बहुत हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट है, हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट है, और आप उसका ऑपरेट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टमेटिक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अनस्किल्ड पर्सन उसको यूज़ कर रहा है, अनस्किल्ड पर्सन उसको यूज़ कर रहा है, तो वो भी क्या देगा आपको, ग्रेट एरर दे सकता है, बहुत बड़ा एरर आपको दे सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर मतलब ये होता है कि अगर आप सिस्टम से उसका किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से आप उसको मेज़र करते हो किसी क्वांटिटी को उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का जो सिस्टम है, किस तरीके से मेज़रमेंट करना है, क्या प्रोसेस करना है, क्या प्रिकॉशन रखना है, तो ये सब आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम में आप गलती करते हो तो आपका होगा जो एरर, उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। इसके कारण जो एरर होगा, ऐसा अनस्किल्ड वे पे ऑपरेट करने से, अनस्किल्ड ऑपरेशन करने पर जो एरर आएगा वो सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। अब एनवायरमेंटल एरर की बात करते हैं। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिस एनवायरमेंट में होता है वहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस हो सकते हैं, वहाँ पे प्रेशर चेंज हो सकता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और ये सभी मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल, इंस्ट्रूमेंट के बाहर ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग आएगी, मेज़रमेंट आएगा, उसको अफेक्ट करती हैं। तो इनकी वजह से, इन एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चेंजेस आएंगे आपके रीडिंग में, आपके मेज़रमेंट में, या जो एरर आएगा आपके रीडिंग और मेज़रमेंट में वो एरर आएगा, तो उसको बोलेंगे एनवायरमेंटल एरर, और ये सिस्टमेटिक एरर का ही एक टाइप है। अब आता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर मतलब होता है रेजिडुअल एरर, मतलब हमने अभी तक जितने भी एरर यहाँ पे पढ़े हैं, सिस्टमेटिक, ग्रॉस, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, तो इसके अलावा अगर कोई एरर होते हैं जिसका नाम हमको पता नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो उस एरर को हम रेजिडुअल बोलेंगे या रैंडम एरर कहेंगे। तो इस तरीके से एरर को क्लासिफाई किया जा सकता है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इलेक्ट्रिकल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? तो अभी हम लोग का स्कोप क्या है, हम किसको पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक अभी नहीं पढ़ेंगे,
हमारे एग्ज़ाम में अभी इलेक्ट्रिकल आएगा, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को फिर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। यह है आपका एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को फिर से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और एक है नल डिफ्लेक्शन। और ये जो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है ये तीन भागों में बांटे गए हैं। पहला है इंडिकेटिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा है आपका इंटीग्रेटिंग। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके पहले भी एक क्लासिफिकेशन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं वो आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम मेजरमेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में लेते हैं, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में लिया जाता है, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स टर्म्स में लिया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और है रिलाई करंट बैलेंस। देखिए ये सब लेबोरेटरी में यूज होते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, रिलाई करंट बैलेंस। ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो रीडिंग आती है वो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में आती है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट कर दिया जाता है, कैलिब्रेट करके बनाया जाता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट प्राप्त किया जाता है और उसको सेटिंग की जाती है कि वो एक्चुअल मेजरमेंट दे जैसा कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है मान लीजिए ये, और ये हमारा एनालॉग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। तो सेम क्वांटिटी इसमें भी देंगे और सेम क्वांटिटी इनपुट इसमें भी देंगे, सेम क्वांटिटी को दोनों इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा एब्सोल्यूट का और सेकेंडरी का जो आउटपुट आएगा, वो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इस सेकेंडरी वाले आउटपुट को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट के बराबर कर दिया जाता है, सेटिंग करके बराबर लाया जाता है, बनाया जाता है उसको बराबर। इसी प्रोसेस को कैलिब्रेशन कहते हैं, जिससे कि हमारा जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो भी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की तरह ही मेजरमेंट कर सकें। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, कैलिब्रेट करके, कैलिब्रेटिंग द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। इसमें हमारे वोल्ट मीटर्स आते हैं ना, ग्लास थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है, ग्लास थर्मोमीटर, इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का ही ये टाइप है क्या, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। तो एनालॉग कैसा आउटपुट देगा आपका, रीडिंग कैसा देगा, इसमें इनपुट एनालॉग देंगे और आउटपुट भी इसमें एनालॉग ही मिलेगा, ठीक है, जो टाइम के साथ वेरी होता है। और डिजिटल में क्या होगा, ठीक है, डिजिटल में डिजिटल फॉर्मेट में इनपुट देना पड़ेगा और डिजिटल फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, किसी भी फॉर्म में आपको आउटपुट मिल सकता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें मेन टाइप है एक डिफ्लेक्टिंग टाइप और नल डिफ्लेक्शन टाइप, ठीक है। तो नल डिफ्लेक्शन में हमारे क्या आ जाते हैं, गैल्वेनोमीटर, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो जीरो वैल्यू देते हैं, जिसको जीरो वैल्यू पर सेट होता है। मान लो यहाँ पे जीरो वैल्यू है, तो ये हमेशा क्या करेगा, जीरो वैल्यू पर आने की कोशिश करता है। इसका मेजरमेंट डिफ्लेक्शन पर नहीं देखा जाता, जीरो पर देखा जाता है। इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर होते हैं, पोटेंशियोमीटर्स,
ये भी नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन का यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ सेंटर जीरो जीरो पॉइंट पर ही लाया जाता है बस। और डिफ्लेक्टिंग में होता है हमारा इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, तो इसको भी समझना जरूरी है। यही तीन इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसी का ही इम्पॉर्टेंस है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो सिर्फ इंडिकेट करते हैं स्केल और पॉइंटर से, ठीक है, वैल्यू कितनी है। मान लीजिए किसी करंट को हम मेज़र कर रहे हैं, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उसको सिर्फ आपको डिस्प्ले करेगा, आपको दर्शाएगा कि कितनी वैल्यू है उसकी। ये सिर्फ क्या काम करते हैं, इंडिकेटिंग का काम करते हैं, ठीक है। इसमें है आपके MI इंस्ट्रूमेंट, PMMC इंस्ट्रूमेंट और डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एमीटर हो सकते हैं, वोल्ट मीटर हो सकते हैं, ठीक है, ओम मीटर हो सकते हैं, इस तरीके के मीटर्स होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो क्या करें, रिकॉर्ड करें, ठीक है, जो आपके क्या करें, रिकॉर्ड कर दें जो रीडिंग आई उसको। तो इंस्ट्रूमेंट में जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे जो रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग आई उसको रिकॉर्ड करने का भी काम साथ में करते हैं। तो क्या क्या इसमें आ जाएंगे, XY रिकॉर्डर आ जाएंगे, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, CD हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है। तो ये सब क्या काम आते हैं, रिकॉर्डिंग के काम आते हैं। फ्लॉपी डिस्क मतलब एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, इसको भी हम जो स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेनली आपका XY रिकॉर्डर और होता है XY प्लॉटर। XY प्लॉटर डायरेक्ट पेपर पर प्लॉट कर देता है आपके रीडिंग्स को, कर्व्स को। इसके बाद है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इंटीग्रेट भी करते हैं, इंडिकेट करते हैं, प्लस रिकॉर्ड भी करते हैं। इंडिकेट तो करते ही हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं और इंटीग्रेट भी करते हैं। इंटीग्रेट मतलब रिकॉर्डिंग्स को जोड़ते जाते हैं, ठीक है, सम भी रखते हैं, पूरे रिकॉर्डिंग्स को जोड़ते जाएंगे और प्रेजेंट रिकॉर्डिंग भी दिखाते हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनका एग्जांपल आप सबको पता है, एनर्जी मीटर या क्या बोलें इसको, किलोवाट आर मीटर्स, ठीक है, जो आपके घरों में यूज़ होते हैं एनर्जी मीटर, ये आपके कहलाते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, जो इंडिकेट भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं और सारे रिकॉर्ड्स को जोड़ते भी हैं। इंटीग्रेट करना मतलब होता है सम करना, जोड़ देना। तो इंटीग्रेटिंग क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स को, सभी रीडिंग्स को क्या करते हैं, जोड़ते भी हैं। तो इस तरीके से आपका जो मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका होता है, तीन टाइप से बांटा गया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रिकल को एब्सोल्यूट और सेकेंडरी में, और फिर जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो एनालॉग डिजिटल में, फिर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्टिंग और नल डिफ्लेक्शन में, और फिर डिफ्लेक्टिंग को इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप में बांटा गया है। ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। इस तरह से हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इमामी का चैप्टर 1 में 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 10 का भी आ जाता है। तो जितने भी मैंने वीडियोस पहले भी दिए हैं चैप्टर 1 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर करिए और बने रहिए। हम इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, उसको हम समझाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के दूसरे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ सीखते रहें। धन्यवाद।